नमस्कारम एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली एलोन मस्क ने ये जो ब्लू बर्ड वाला जो ट्विटर का ब्लू बर्ड वाला जो लोगो था उसको उन्होंने चेंज करके एक्स नाम रख दिया है और इसके ऊपर ना पूरा इंटरनेशनली कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश किए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए और इसको ऑफिशियली ट्विटर में भी यहाँ पे अब ट्विटर का जो ऑफिशियल हैंडल था ट्विटर का उसमें भी ये जो लोगो आप देख रहे हैं एक्स नाम से इसको पब्लिसिटी कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊँ ट्विटर एक ऐसा चीज़ है जिसको हिस्ट्री से ही अगर हम लोग ट्विटर का ऑफिशियल लोगो का अगर हम लोग बात करें तो ट्विटर देखिए ये जो उड़ता हुआ चीड़ा जो ब्लू रंग का दिखता था नीला रंग का उसी से ही ट्विटर को जाना जाता था जिसको कि यहाँ पे जैक डोर्सी ने बनाया था। हालांकि ट्विटर को भी इन्होंने ही बनाया था अपने कोवर्कर्स के साथ मिलकर, लेकिन ये जो ट्विटर का हिस्टोरिकल जो लोगो है उसको हर एक कोई ट्विटर के नाम से इसको जानता है। अगर आपके पास नाम नहीं है तब भी अगर इसको इस लोगो अगर दिखा दिया जाए तो इसको ट्विटर समझ लेता है सब कोई। लेकिन जब यहाँ पे कुछ बहुत बड़े फेरबदल हुए और जब यहाँ पे एलोन मस्क ने 44 बिलियन डील जो इन्होंने किया और वो ट्विटर को पूरी तरह से इन्होंने खरीद लिया, एलोन मस्क ने जो 44 बिलियन डॉलर में पूरा ट्विटर कंपनी को ही खरीद लिया, तो उसके बाद में देखा गया कि कई सारे फेरबदल बड़े बड़े बदलाव किए गए ट्विटर में, चाहे वो ब्लू वेरिफिकेशन बैज हो चाहे वो कई सारे सब्सक्रिप्शन वाला रेट हो सभी चीज़ को इसमें लाया गया और बड़े बड़े फेरबदल किए गए। लेकिन इस बार बहुत बड़ा फेरबदल किया गया और इन्होंने पूरा का पूरा जो लोगो है उसी को ही इन्होंने चेंज कर दिया। तो ये चेंज करने के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है और क्या है इसका बहुत बड़ा रीजन उसको मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे देखिए इन्होंने जो पूरा का पूरा जो चेंज किया ट्विटर को इसमें एक चाइना का भी कनेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक न्यूज अपडेट, एलोन मस्क वांट्स टू ऑफर अमेरिका सच एवरीथिंग ऐप लाइक चाइनास वीचैट। अब यहाँ पे वीचैट एक चाइना का बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया है जो कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लगभग पूरा आधा पूरा आबादी है जो 1.1 बिलियन पूरा पॉपुलेशन है, 1.1 बिलियन वो जो पूरा चाइना में इसको यूज़ करता है। तो अब हम लोग जाने कि क्यों यहाँ पे एलोन मस्क चाइना से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि वो अपना जो ट्विटर को अपना नाम ही पूरा चेंज कर दिया और क्यों यहाँ पे सुपर ऐप का नाम दिया गया है ऐप लाइक चाइना, तो हम लोग उसी के बारे में वीडियो में आगे समझेंगे। क्यों यहाँ पे एलोन मस्क का क्या है कनेक्शन एक्स नाम से और क्यों वहाँ पे वो चाइना से प्रेरित हैं, तो वीडियो में हम लोग पूरा क्रिस्टल क्लियर समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो देखिए सभी चीज़ को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री में जाते हैं। आप सभी को पता ही है कि पेपाल जो है उसका एक को फाउंडर थे यहाँ पे एलोन मस्क, जो बहुत ज़्यादा फेमस पेमेंट गेटवे है तो उसका को फाउंडर में से आते थे एलोन मस्क। तो सबसे पहला जो इन्होंने जो कोई भी इन्वेंशन किया था उसका नाम था x.com। इन्होंने x.com एक ऐसा ऐप निकाला था, एक वेबसाइट बनाया था जिससे कि आप लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी के समय में जैसे कि हम लोग इसे कैसे पेटीएम गूगल पे सभी से ट्रांजैक्शन करते हैं वही चीज़ ये लोग 1999 में ही ये चीज़ को इन्होंने बनाया था जिसमें कि बैंकिंग डिजिटल परचेस हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन सभी चीज़ को यहाँ पे x.com में यूज़ किया जाता था। बाद में जिसको कि हम लोग मर्ज कर दिया, ये जो एलोन मस्क है उन्होंने मर्ज कर लिया पेपाल में। उसके बाद इन्होंने अच्छा खासा इस चीज से मुनाफा कमाया और एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी इन्होंने बनाया उस चीज को। लेकिन बाद में इन्होंने इस चीज को बेच दिया जो कि x.com से जो इन्होंने बनाया था अपना कंपनी उसको इन्होंने बेच दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नया जो ट्विटर है उसका भी लोग इन्होंने एक्स नाम रख दिया। तो ये एक्स नाम ना एक तरह से अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्स हमेशा से ही एलोन मस्क का एक पसंदीदा चीज़ है क्योंकि इनके कई सारे कंपनीज आप देखिए यहाँ पे स्पेस एक्स में भी एक एक्स नाम का है। वहीं पे हाल ही में इन्होंने xAI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक तरह से चैट GPT की तरह ही इन्होंने एक नया कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है xAI, इसमें भी उन्होंने एक्स डाला है। वहीं पे अगर इस बार ट्विटर का भी बात करते हैं अपना जो ट्विटर का जो लोग है उसको भी एक्स रख दिया। तो मतलब इसको एक्स अगर कहीं ना कहीं बताएं तो एलोन मस्क को एक्स नाम से बहुत ज़्यादा प्यार है इसीलिए इन्होंने एक्स नाम रखा है। अब हम लोग देखिए और ये जो एक्स नाम रखा है उसको इन्होंने ऑफिशियली जो यहाँ के ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है उसमें इन्होंने बड़ा सा एकदम प्रदर्शन भी इन्होंने दिखाया एक्स नाम से कि हाँ अब हम लोग ये जो चिड़िया है उसको हटा के अब एक्स नाम रख दिए हैं। ये जो हिस्टोरिकल आप देख रहे हैं ये जो चिड़िया वाला लोगो अब ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में, खासकर आज से ही बहुत सारे लोगों को ये चीज़ दिखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया एलोन मस्क चाइना का जो एवरीथिंग ऐप है उससे प्रेरित होकर कई सारे डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये क्या है एवरीथिंग वाला ऐप जिसका नाम है वीचैट, तो अब हम लोग समझते हैं वीचैट आखिर क्या है। वीचैट देखिए चाइना में ना ये ऐप बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो कि सभी टाइप का काम करता है। यहाँ आप जैसे कि फेसबुक का भी यूज़ कर सकते हैं, सर्च इंजन गूगल जैसा भी यूज़ कर सकते हैं,
व्हाट्सएप जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो वीचैट है पहले भारत में बहुत ज़्यादा चलन में रहता था, क्योंकि लेकिन जब यहाँ पे भारत ने क्रैकडाउन किया और कई सारे ऐप्स को चाइनीज़ ऐप को यहाँ पे बैन किया, तो ये वीचैट भी एक ऐसा ऐप था जिसको चाइना भारत की सरकार ने बैन कर दिया। तो ये एक सुपर ऐप कहलाता है। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये सुपर ऐप होता क्या है। तो देखिए इसके ऊपर ना कई सारे न्यूज़ में पब्लिश भी किए गए कि चाहे एलोन मस्क अपना ट्विटर को वीचैट के जैसा वेस्टर्न वीचैट बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर कई सारे न्यूज़ मीडिया में भी पब्लिश किया गया सुपर ऐप बनाना चाहते हैं। तो हम लोग यही सुपर ऐप को समझते हैं कि आखिर ये सुपर ऐप होता क्या है। देखिए सुपर ऐप का मतलब क्या है कि एक एप्लीकेशन जिसमें इंटीग्रेटेड हो और कैपेबिलिटी हो उसका प्लेटफॉर्म का, कि वो एक इकोसिस्टम बनाए जिसमें थर्ड पार्टीज जो जितने भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर बहुत अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आप लोगों ने पेटीएम को देखा है, पेटीएम में आप देखे ही होंगे किस तरह से वहाँ पे कई सारे ऐप्स को वहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। या तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या तो बिजली बिल पेमेंट करना है, या तो आपको कोई भी ऐप का यहीं पे मोबाइल रिचार्ज करना है, सभी चीज़ वहीं से ही हो जाता है, मतलब पेटीएम से ही हो जाता है। और यहाँ पे भारत में भी कई सारे सुपर ऐप धीरे धीरे डेवलप किए जा रहे हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे टाटा न्यू जो नाम है वो भी एक सुपर ऐप है जो कि टाटा कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसमें आप टाटा के कई सारे प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर अडानी हो गए, रिलायंस हो गए, सभी का अपना अपना सुपर ऐप ला रहा है। तो सिंपली भाषा में अगर आपको समझना है तो ट्विटर भी अब वही चीज़ करने वाला है, जिसमें कि आपको पता ही है कि एलोन मस्क के कई सारे कंपनी से यहाँ पर टेस्ट हो गया, चैट जीपीटी, ओपन या ये खासकर ये तो वहाँ पे एंजल इन्वेस्टर बने हुए थे, लेकिन यहाँ पे स्पेसएक्स, बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक, ट्विटर, सभी को इन्हीं के ही कंपनी है। हाल ही में उन्होंने एक्स एआई भी लॉन्च किया है, तो मतलब दर्जन भर की इनके पास कंपनी है। उन्हीं सभी चीज़ों को ये ट्विटर के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं और ये सुपर ऐप की तरह ट्विटर अब काम करने वाला है, क्योंकि इनके पास कई सारे कंपनी सदस्य। सुपर ऐप का मतलब क्या है कि उसमें कई सारे कंपनीज़ को ऐड करके एक ही प्लेटफॉर्म में यूज़ करना, उसी को हम लोग कहते हैं सुपर ऐप। तो सुपर ऐप का मतलब यही हुआ। तो यही चीज़ जो एलोन मस्क है, वही जो वीचैट है, वो सेम चीज़ यही चीज़ करता है वो चाइना में, जिसमें आप पेमेंट भी कर सकते हैं, फेसबुक भी चला सकते हैं, फेसबुक की तरह सर्च इंजन भी यूज़ कर सकते हैं, और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है को ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं, मतलब ये सभी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वैसा ही अब एलोन मस्क भी चाहते हैं कि ट्विटर में वही चीज़ यूज़ हो और यहाँ पे सुपर ऐप की तरह ये काम करे, जिसमें पेमेंट भी हो सके, सभी चीज़, मतलब लगभग सभी चीज़, जिसमें टेस्ला गाड़ी चाहे वो स्पेसएक्स हो, सभी चीज़ का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ को एलोन मस्क ने देखते हुए अपना जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे ट्विटर का जो लोगो उसको चेंज कर दिया। यहाँ पे कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में इसके ऊपर कई सारे बदलाव भी होंगे, इसीलिए एलोन मस्क ने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। और ये पूरा एकदम ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर और कई सारे अगर न्यूज़ आने वाले हैं तो उसको मैं आपको अप टू डेट करता ही रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखें। स्टे हेल्दी।